नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रिंस 9000 में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लैंड वर्सेस इंडिया ड्रीम इलेवन टीम लॉन्ग कॉन्टेस्ट यानी ग्रैंड कॉन्टेस्ट टीम बताऊंगा मैं आपको। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे चैनल का। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए टीम ला पाएँ। अगर आप शॉर्ट फॉर्म टीम भी देखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैंने वो टीम क्रिएट करके अपलोड कर दी है, जाइए देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जीतिए। हमारा सपना आपको करोड़पति देखना, तो जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। तो मैं विकेट कीपर में लूँगा लोकेश राहुल को, क्योंकि अगले मैच में नहीं चले थे लेकिन इस मैच में हो सकता है चलेंगे ज़रूर। जॉन बिस्टो को मैंने शॉर्ट फॉर्म के लिए चूज किया, ग्रैंड फॉर्म के लिए लोकेश राहुल सह रहेंगे। अगर ये समय देते हैं तो अच्छा खेलेंगे, लंबा पारी खेलेंगे। और बैट्समैन में मैं विराट कोहली को चूज करूंगा, जिन्होंने पिछले मैच में 73 रन की आकर्षक पारी खेली थी। और उसके बाद जसन रॉय, जो कि काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं। और मैं श्रेयस अय्यर को भी चूज करूंगा, जिन्होंने पिछले मैच में 8 शतकीय शानदार पारी खेली थी। और ऑलराउंडर में मैं टॉप 4 ऑलराउंडर चूज करूंगा, जो कि हार्दिक पांड्या हैं, बेन स्टॉक हैं, वाशिंगटन सुंदर, सेम ग्रंट। आप समझ सकते हैं, अगर ग्रंटली खेल रहे हैं तो आप 4 ऑलराउंडर हमेशा खिलाइए, जिससे ये होगा अगर वो विकेट और रन बनाते हैं तो आपकी टीम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट पाकर के आगे जाएगी। बॉलर में मैं जेफ्रा आर्चर को चूज करूँगा, और जेफ्रा आर्चर के बाद मैं भुवनेश्वर कुमार को भी चूज करूँगा, जो कि काफ़ी स्विंगर बॉलर हैं और इंडिया की तरफ से ओपनिंग भी करेंगे। तो अगर आपकी टीम में रहेंगे ओपनिंग विकेट में आधे विकेट चटका देते हैं तो आपकी टीम ग्रांड लीग में अच्छे से अच्छे रैंक प्राप्त करेगी। सौरदर ठाकुर, जिन्होंने पिछले मैच में काफ़ी शानदार बॉलिंग की थी और 2 विकेट लिए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी टीम क्रिएट कर ली है। उसके बाद आगे चलते हैं, और यहाँ पे मैं ग्रांड ली है तो मैं यहाँ पे कप्तान चूज करूँगा यहाँ पे जो है, और किसी ऑलराउंडर को तो मैं यहाँ पे ग्रांड में ऑलराउंडर को चूज करूँगा, हार्दिक पांड्या को कैप्टन चूज करूँगा। और वाइस कैप्टन हमारे रहेंगे विराट कोहली साहब, जो कि पिछले मैच में काफ़ी शानदार खेले थे। तो ये हमारी टीम है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बेन स्टॉक को भी आप कप्तान बना सकते हैं, लेकिन मैं हार्दिक पांड्या को ही बनाऊँगा क्योंकि वो अच्छे हैं। आप चाहें तो वाइस कैप्टन भी बेन स्टॉक को बना सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त रैंकिंग ऑलराउंडर हैं, आप समझ ही सकते हैं। तो मैं विराट कोहली को बनाऊँगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हमारी टीम बन चुकी है। और चलिए मैं आपको अपनी टीम दिखा देता हूँ, जो हमने अपनी ग्रांड टीम बनाई है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारे विकेट कीपर हैं लोकेश राहुल, वाइस कैप्टन है विराट कोहली, जसन रॉय, श्रेयस अय्यर, बेन स्टॉक, हार्दिक पांड्या कप्तान, सेम करन, वाशिंगटन सुंदर। बॉलर में हमने 3 बॉलरों को चूज किया है, भुवनेश्वर कुमार, साजिशा जो फ्राचर, जो कि टॉप बॉलरों में से एक है। अगर आप चाहें तो बेन स्टॉक को भी कैप्टन बना सकते हैं और सेम करन को भी वाइस कैप्टन चूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे सुझाव के हिसाब से ये दोनों बेस्ट रहेंगे अगर चलते हैं इंडिया की ही तरफ से। तो आप चाहें तो बेन स्टॉक को बना सकते हैं, और मेरी एक सलाह जरूर मानिए, बेन स्टॉक कभी भी आप ग्रैंड लीग के लिए तो 4 ऑलराउंडर जरूर रखिए, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी मिल पाए। धन्यवाद दोस्तों टेक्निकल प्रिंस 9000 के साथ जुड़ने के लिए, कृपया सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े। धन्यवाद।